हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम माय डायरीज। तो आज मैं किसी ब्लॉग के साथ नहीं आई हूँ, आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। जिन जिन लोगों ने हमारा इंट्रो वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में योग प्राण विद्या के बारे में चर्चा करी है, और मैंने बोला भी था कि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगी। तो मैंने मेरे मदर इन लॉ से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो एक एक्टिव हीलर और ट्रेनर दोनों हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी इसके बारे में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। इसलिए ये वीडियो मैं उनके थ्रू आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो आप लोग उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, यही हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे। आइए चलिए वो वीडियो देखते हैं और योग प्राण विद्या के बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं ये क्या है और कैसे हम इसे अपने लाइफ में यूज़ करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदु सिंह हूँ, वाराणसी से। मैं योग प्राण विद्या से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को योग प्राण विद्या के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और मैं कर्नाटका फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। कर्नाटका फाउंडेशन की हेड और हमारे मेंटर श्री एन जे रेड्डी सर हैं। हमारे वाराणसी के सीनियर ट्रेनर डॉक्टर एस के सिंह सर हैं। मैं योग प्राण विद्या से 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं इसमें हीलर भी हूँ और ट्रेनर भी हूँ। तो योग प्राण विद्या है क्या? योग प्राण विद्या सुन के आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई योगा या प्राणायाम के बारे में बताएंगे, तो ये सिर्फ एक योगा और प्राणायाम ही नहीं है। इसमें है किसी भी पेशेंट का हम लोग बिना छुए बिना दवा इलाज की तकनीक है। तो YPB से योग प्राण विद्या एनर्जी के थ्रू हीलिंग का सिस्टम है। तो इसमें मरीज को छूने या दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो छूने की आप लोग सोचेंगे कि मरीज को बिना छुए बिना दवा दिए कैसे ठीक करेंगे। हमारा ये दिखने वाला शरीर है, इसके ऊपर एक और बॉडी होता है जिसे हम लोग एनर्जी बॉडी बोलते हैं, ऑरा, और साइंस में इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी बोलते हैं। तो ये बॉडी जो होता है काफ़ी सटलर, डेंसर और ब्राइटर होता है। तो इसी बॉडी पर ये योग प्राण विद्या के थ्रू हम लोग हीलिंग करते हैं, एनर्जी के थ्रू हीलिंग करते हैं। तो फिजिकल बॉडी को छूने या दवा देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग देखते होंगे कि ये एनर्जी है क्या, तो ये ऑरा क्या है। तो आप लोग पहले देखते होंगे कि पहले किसी महापुरुष या बुद्धा का देखे होंगे, या किसी गॉड राम कृष्ण भगवान का कोई पिक्चर देखे होंगे, जिसके ऊपर के कुछ ऐसे पिक्चर सा दिखाता है, कलरफुल पिक्चर ऐसे ऑरा। तो ये रियल में कोई पिक्चर नहीं होता है, ये गॉड का उनका ऑरा को दिखाया जाता है, जो कि हम नॉर्मल जो इंसान हैं वो सभी में ये ऑरा होता है, एनर्जी बॉडी होती है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके प्योरिफिकेशन के हिसाब से, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से। तो हम लोग इसी बॉडी के को हील करते हैं वाइटल एनर्जी के थ्रू। तो बच्चों में आप लोग देखते होंगे कि बच्चे फटाफट हील हो जाते हैं, क्योंकि उनके में वाइटल एनर्जी ज़्यादा होता है। और बूढ़े जो होते हैं वो जल्दी हीलिंग पावर उनकी क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि उनकी वाइटल एनर्जी कम होती है। तो ये जो योग प्राण विद्या है, ये कुछ नया आपको नहीं आज सिखा रही हूँ मैं, ये सदियों से है। आप लोग एनर्जी को समझते होंगे, कहीं जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे यहाँ आके मैं तो थक गया, मुझे एनर्जी लेस लग रहा है। तो वहाँ की एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करती है, जो कि प्रभावित करती है। तो ये जो एनर्जी बॉडी है, इसी एनर्जी बॉडी को हम लोग हील करते हैं। सभी के बॉडी में ये एनर्जी लेवल होता है। अब ये एनर्जी किसी को कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, तो वहीं पे बीमारियां आती हैं। एनर्जी के थ्रू हीलिंग संभव क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में लाइफ फोर्स है, और यही लाइफ फोर्स कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है तो बीमारियां आती हैं। तो इसी लाइफ फोर्स को हम लोग
वाइटल एनर्जी के थ्रू अपने सराउंडिंग एरिया से एनर्जी ले करके एनर्जी के थ्रू बॉडी को हील करते हैं। तो ये योग प्राण विद्या जो है एनर्जी के थ्रू हीलिंग का विद्या है। तो इसमें मरीज को छूने या दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिजिकल बॉडी में जो भी दवा होता है जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एक्यूप्रेशर, एनीथिंग, उसको हम लोग मना नहीं करते हैं। तो एनर्जी अगर बॉडी में रहेगा तो दवा भी फास्ट रिकवर करता है बॉडी को। रिकवरी क्या होता है, रिकवरी रेट बॉडी का फास्ट हो जाता है। एनर्जी आपकी बॉडी में है तभी आपका दवा भी फायदा करेगा। तो एनर्जी के थ्रू हीलिंग का आज मैं आपको इतना बताती हूँ। आगे वीडियो में मैं और भी बताना चाहूँगी कि ये किस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी में। वैसे अब ये हम लोग इसको कर क्यों सकते हैं, ये तो हमने बताया कि आपकी बॉडी में लाइफ फोर्स है और यही लाइफ फोर्स हम लोग वाइटल के थ्रू लेकर के अपने सराउंडिंग एरिया से लेकर के आपकी बॉडी में प्रोजेक्ट करते हैं। कैसे प्रोजेक्ट करते हैं ये सीखने से पता होता है, बट मैं इस आगे वीडियो क्लिप में आपको और भी इसका डिटेल बताऊँगी। नमस्ते। ओके, सो आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा YPV क्या है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो जो हमारा ट्रस्ट है कर्नाटका ट्रस्ट, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ पे, वहाँ से भी आप डिटेल में जान सकते हैं। अगर आप पर्सनल हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, हम अपनी ईमेल आईडी देंगे, उसके थ्रू हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक फ्री हीलिंग कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी हम आने वाले टाइम में चलाएंगे फ्री हीलिंग कैंप। और हाँ, अगर ये आपको सीखना है तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस भी अभी चल रहे हैं, तो आप अपने घर बैठे इसकी नॉलेज ले सकते हैं। ये पूरा सर्टिफिकेट दिया जाता है इस क्लासेस के, तो पहले लेवल 1 सीखना होता है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करिए, पूरी डिटेल हम उसमें आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और भी दूसरे वीडियो के साथ हम ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, और बेल आइकन तो दबाना ही है। नमस्ते।